यूपी में 2022 में होने वाले असेंबली चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सत्ताई भाजपा समेत समूचा विपक्ष सूबे में यात्राओं के जरिए माहौल तैयार करने में जुटा है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब समाजवादी पार्टी खेत खलियान कुटीर उद्योग बचाओ रोजगार दो किसान नौजवान पटेल यात्रा के संग जनता के बीच में पहुंचेगी और भाजपा की नाकामियों और अखिलेश सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराएगी। पार्टी के उपप्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई से निकलने वाली यह यात्रा सीतापुर के महमूदाबाद से 29 अगस्त को इसका आगाज होगा। इस दिन सुबह 10 बजे यात्रा को विधानसभा के नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीतापुर में दो दिनी यात्रा को लेकर पार्टी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा मसले पर आई इंडिया ने सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव से बात की, आप भी सुनिए वो क्या बोले। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी का जनपद सीतापुर में दो दिन का 29 और 30 तारीख को कार्यक्रम है और 10 बजे 29 तारीख को महमूदाबाद से खेत खलिहान कुटीर उद्योग बचाओ किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर वहाँ से चलेंगे और उसके बाद में 1 बजे बिछुआ में आएंगे और बीच बीच में जनता उनका स्वागत करेगी और जहाँ भी जनता होगी वहाँ उन जनता को संबोधित करने का काम माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे और उसके बाद में 1 बजे जनसभा आप बिछुआ में गुलजार साहब मैदान में है। उसके बाद वहाँ से सभा करने के बाद 2 बजे आपको पहुँचना है, 3 बजे पहुँचना है आप मोहली, तो वहाँ से चलने के बाद बीच में जहाँ जहाँ भी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग स्वागत करेंगे बीच बीच में और वहाँ पर भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनको संबोधित करने का काम करेंगे। 3 बजे के बाद में सभा को मोहली से करने के बाद में 5 बजे सीतापुर में यहाँ सब सभा होगी और यहाँ पर विश्राम होगा तो उस दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे 30 तारीख को 10 बजे यहाँ से लहरपुर के लिए चलेंगे और बीच बीच में सभी कार्यकर्ता और नेता जो भी स्वागत यहाँ पर करेंगे वहाँ पर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनको संबोधित करने का काम करेंगे और तंबौर से लहरपुर से तंबौर से रोसा होते हुए ये बहराइच चले जाएंगे। ये 6 दिन की यात्रा प्रस्तावित है बहराइच में और ये संदेश प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, इन सब को ले समस्याओं को लेकर ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संदेश पहुंचाने का काम करेंगे और जो कार्यकर्ता और साथी जो भी जाएंगे वे उनका संदेश खेत खलिहान मजदूरों के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे।